जब दिल चाहे डिलीशियस डिश तो सर्च करें माय किचन माय डिश। माय किचन माय डिश इज ओपन, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों, आज मैं आपको एक मैंगो क्रीम की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो सीखते हैं उनकी बनाई हुई डिश है, तो देखिए उन्होंने इसे कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने मारी बिस्किट लिए हैं, आम लिए हैं, पिसी हुई शक्कर ली है, और अब इससे हम बताएंगे। ये मारी बिस्किट को मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे। 10 से 12 पीस मारी बिस्किट के हैं। इसे देखिए कुछ 20 सेकंड रन किया और ये इतनी बारीक पिस गई है। अब इसे मिक्स कर लेंगे, एक मिक्सिंग ट्रे में डालकर इसे मिक्स करेंगे बटर के साथ में। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पिघला हुआ बटर। 12 बिस्किट के पीसेज हैं, इसमें 2 टेबल स्पून बटर मिक्स किया और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे मिलाने की वजह यह है कि उसे जो बॉल है जिसमें इसे जमाना है क्रीम को, उसके नीचे बिछाना है, तो उसे एकदम बिछ के एकदम आपस में एक दूसरे में पकड़ लेना चाहिए। तो बटर डालेंगे तो वो पकड़ लेगा, बिल्कुल भुरभुरा नहीं रहेगा। और प्लेन सरफेस का लिया है इन लोगों ने, इसका उनका चलो आगे मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं पहले क्या कह रही थी। 3 मैंगोज़ लिए हैं, बहुत स्वीट मैंगोज़ हैं। आजकल मैंगो का सीज़न है, बहुत अच्छे आम आए हुए हैं। तो इस मैंगो के इस पल्प को निकाल कर इसे पेस्ट की शक्ल में पीस लेंगे, मिक्सी में डालकर बिल्कुल स्मूथ पीस, पूरे पल्प को गुठली के ऊपर से इस तरह निकाल लेंगे और डायरेक्टली मिक्सी में डालकर मिक्सी को रन करके एकदम पेस्ट जैसा बना लेंगे। जब तक कि वो बिल्कुल पेस्ट ना हो जाए तब तक मिक्सी को रन करना है। ये देखिए, ये 2 मैंगोज़ का पेस्ट बना लिया और 1 मैंगो के क्यूब्स काट लिए। और ये है व्हिप्ड क्रीम, रेडी व्हिप्ड क्रीम है। तो अब एक मिक्सिंग बॉल के अंदर इस व्हिप्ड क्रीम को डालेंगे। करीब 200 ग्राम व्हिप्ड क्रीम ली है, ये किसी भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाती है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मैंगो पल्प। वैसे तो मैंगोज़ बहुत मीठे हैं और व्हिप्ड क्रीम भी स्वीट होती है, लेकिन अपनी स्वीटनेस के हिसाब से इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ी शुगर मिला सकते हैं। हमने भी थोड़ी सी शुगर मिलाई है, 2-3 चाय का चम्मच शुगर मिलाई है इतने में, क्योंकि वो व्हिप्ड क्रीम भी मीठी है और मैंगोज़ भी मीठे हैं, तो इसलिए शुगर आपको अगर ज़रूरी लगे तो डालें, ना ज़रूरी लगे तो ना डालें। तो ये मैंगो और क्रीम मिक्स होकर एक स्मूदी बन गई है, बहुत अच्छी, बड़ी टेस्टी स्मूदी बनी है। और इस स्मूदी को अब ये जो बिस्किट का पाउडर नीचे बिछाया है उसके ऊपर से इसे डाल देंगे, पूरी स्मूदी को इसके ऊपर डाल देंगे और इसे ऐसे बिल्कुल ऊपर से फ्लैट कर देंगे। इसे ऐसे ठोकने से भी वो चारों तरफ अच्छे से सेट हो जाता है और उसके अंदर जो एयर कहीं कहीं भर गया है वो निकल जाता है। इसके ऊपर से कटे हुए मैंगो क्यूब्स लगाएंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के दूसरे फ्रूट्स के क्यूब्स लगा सकते हैं। इसके ऊपर से गार्निश करेंगे हम, चेरी से गार्निश करेंगे, चॉकलेट चिप्स से गार्निश करेंगे, आप अपने मर्जी की गार्निशिंग कर सकते हैं। ये इसके अंदर अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ये 2 घंटे कंप्लीट हो गए, हमने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया और इसे हमने गार्निश कर दिया है शुगर में पकी हुई चेरीज से। और अब इसे इस तरीके से सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। इसे अलग अलग प्यालों में भी ऐसे ही जमाया जा सकता है और ये बहुत ही टेस्टी मैंगो क्रीम
कह सकते हैं, मैंगो स्मूदी कह सकते हैं, बन के तैयार है। तो आप भी अपने घर में बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फोटोज़ क्लिक करके मेरे चैनल के पेज पर पोस्ट कीजिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।